नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं। सुबह जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई की गई थी एनडीएमसी के आदेश के बाद, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी थी, लेकिन इस तरह की खबरें भी आई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो है बुलडोज़र चलता रहा था। तो अभी की जो सिचुएशन है, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अभी तो बुलडोज़र चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तमाम बुलडोज़र, तमाम जेसीबी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो और भी किस तरह की सिचुएशन है वो यहाँ से हम बात करेंगे, दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। जहांगीरपुरी में रहते हैं। क्या नाम है आपका? फिरोज खान है मेरा नाम। फिरोज खान, अच्छा बताइए फिरोज खान, क्या हुआ था यहाँ पर? मुझे पता नहीं, मजदूरी करके आया था रात में। अच्छा अच्छा, अभी का क्या माहौल है यहाँ का? अभी सही है यहाँ का? सब कुछ सही है। अच्छा, ये प्रशासन वगैरह जो है डर खौफ तो नहीं लग रहा है? ना, हमको डर लगे, हम तो काम पे जाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप लोगों ने समस्या बनाई अपने मजदूरी की, फौज बजा दी। तो देखिए, तमाम तरह की चीज़ें जो है जहाँ से कही जा रही थी जहांगीरपुरी इलाके से, तो देख सकते हैं जेसीबी वगैरह जो इसके जरिए कार्रवाइयाँ जो है वो की गई थी। इधर की इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं, तमाम प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं इधर की जो सिचुएशन है पूरी, और काफ़ी भारी संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो तैनात है, और मीडिया वाले लोगों को भी जो है वो रिकॉर्डिंग करने से और रिपोर्ट करने से मना किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आगे की सारी चीज़ें दोस्तों हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मीडिया, भारी संख्या में यहाँ पर मीडिया वाले हैं, प्रशासन के लोग हैं। पूरी जो स्थिति है वो काफ़ी संवेदनशील स्थिति जो है वो बनी हुई है। जहांगीरपुरी इलाके के हम जो है यहाँ पर सेंटर में खड़े हैं प्रशासनिक। वन अगेन आई रिटरेट दैट लॉ एंड ऑर्डर इज टोटली अंडर कंट्रोल, सिचुएशन इज टोटली पीसफुल, पुलिस इज ऑन टॉप ऑफ इट, वी आर मेंटेनिंग द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द एरिया, वी हैव एडिक्वेट पुलिस डिप्लॉयमेंट, वी आर इन कॉन्टिन्यूस टच विद द सिटीजन्स ऑफ द एरिया टू मेंटेन पीस, सो वी आर हियर, सो प्लीज लेट पुलिस वर्क, थैंक यू। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो आपने देखा कि उनका ये कहना है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर की। तो आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया और तमाम प्रशासन के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जहांगीरपुरी से दोस्तों हम इस वक्त जो है आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुलडोज़र की जो कार्रवाई थी यहाँ पर वो उसको लेकर के जो है अभी काफ़ी माहौल जो है वो गर्म हो गया है। प्रशासन की जिस तरह से कार्रवाई की खबरें दोस्तों सामने आई थी, किला ठेला जो चलाने वाले गरीब लोग हैं उनके ठेले को भी जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से हम जो सिचुएशन है उसको हम दिखाने का काम कर रहे हैं आपको। काफ़ी संवेदनशील इलाका जो है वो यहाँ पर ये बना हुआ है। प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं। पूरी सिचुएशन जो है दोस्तों वो मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये टीम यहाँ पर जो है बिल्डोज़र चला था, तो इस तरह की दुकानें थी जिनको, जिन पर जो है कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा, और यहाँ पर जो है रोडों को, इधर से रास्तों को बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे इधर की सिचुएशन भी हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो चर्चा का केंद्र है वो इस वक्त जो है जहांगीरपुरी का ये इलाका जो है वो बना हुआ है। तमाम देश भर के लोगों की जो है इस पर नज़रें हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुँच गया है, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी इस पर कोई किसी प्रकार का फैसला या अभी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इधर से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ये ब्लॉक कर दिया गया है, रोड को बंद कर दिया गया है, और हर तरफ आप देखेंगे तो प्रशासन जो है वो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। तो सिचुएशन जो है काफ़ी संवेदनशील जो है यहाँ पर बनी हुई है जहांगीरपुरी इलाके में जहाँ पर हम मौजूद हैं। पूरी सिचुएशन दोस्तों अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो लगातार जो है आप हमारे साथ बने रहिएगा, और भी जो है यहाँ क्या कुछ घटनाक्रम होता है उससे जो है आपको रूबरू कराने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी सरवन के साथ सुशील कुमार, जहांगीरपुर, दिल्ली।